سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم الهمنا رشدًا وعزنا من شرور <سكتور> انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم رنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا امين ثم امين كتاب الوتر وتر بيان وتر ये दो अल्फाज हैं जो बहुत दफा आप सुन चुके हैं आपको पता है कि हर जबान में मैथमेटिकली ऑड और इवन जुफ्त और ताक का तस्वर मौजूद है ओड वो जैसे वन थ्री फाइव सेवन और इवन वो हर वो अदद हर वो नंबर हर वो डिजिट हर वो गिनती हर वो तादाद जो दो से तकसीम दो से डिवाइड हो जाती हो तो ऑड और, और इवन और जुफ्त और ताक का तस्वुर हम जानते अल्लाह ताक है और वितर का मतलब ताक इसी तरह वितर का एक मतलब वक्फा करना भी है गैप करना वक्फा करना वितर शरायी इस्तलाह में वो नमाज है जो इशा की नमाज के बाद अदा की जाती है रात के किसी हिस्से में क्योंकि आपको पता है कि ईशा की नमाज के लिए एक तो स्पेसिफाइड टाइम है आधी रात तक या दो तिहाई रात तक इशा का वक्त है लेकिन ये वो रात की नमाज है जो इशा के बाद किसी वक्त सुबह सादिक तक यानी फजर के वक्त तक रात की नमाज अदा की जाती है ये वितर रकते हैं वितर के हवाले से और वितर की रकतों और नमाज के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें जो जाननी ज़रूरी हैं तो कुछ सवाल हैं मसन सबसे पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी है क्या वितर वाजिब है फर्ज है वाजिब है या सुनत है दूसरी बात यह कि वितर की रकतें कितनी है तीसरा सवाल ये कि इसको अदा कैसे करना है वितर की रकतें कितनी है और फिर इन रकतों को कैसे अदा करना है कैसे कैसे तशख करना है कैसे सलाम करना है तशखद की या तहियात की सलाम की कैफियत क्या है इन रक़तों में इसमें कनूत की कैफियत कनूत कौन सा होगा कब होगा कैसे पढ़ा जाएगा और फिर ये वितर की रकतें क्या इनकी कज़ा होगी और क्या इनको कसर नमाज में पढ़ा जाएगा या सफर में पढ़ा जाएगा ये मुख्तलिस सवाल है वितर के हवाले से जो जानने जरूरी हैं तो पहला जवाब बाब किताबल वितर का हम देख रहे हैं वितर के मामले में जो मुत्लक अहकाम हैं ये पहला बाब है तो पहली चीज जो पहला सवाल मैंने आपको कहा ये जाना जाना कि क्या वितर वाजिब है वितर के हवाले से आरा उसके वाजिब और उसके सुन्नत होने के बारे में आयमा की आरा फर्क है इमाम अब हनीफा के नजदीक वितर वाजिब है और इमाम वितर के वजूब के हवाले से जो अहदीस का हवाला देते हैं वो ये कि एक हदीस के अल्फाज आप ने फरमाया कि अल्लाह सुबहाना ने तुम्हारे लिए एक नमाज़ ज़़ायद अल्लाह सुबहाना ने तुम्हारे लिए एक नमाज जायद यानी पंचगाना नमाज जो पांच नमाज है उससे एक नमाज जायद की है बस पढ़ो इसको दरम्यान इशा और सुबह सातिक के एक नमाज़ ज़़ायद अल्लाह ने फर्ज की है बस पढ़ो इसको कहा इसको ईशा की नमाज और सुबह सादे के दरमियान ताकि चूंकि कुरान में मौजूद नहीं है और हदीस में अल्लाह की तरफ से मंसूब करके ताकीद है कोया इमाम अब हनीफा के नजदीक ये वजूब का जवाब यह वाजिब है इसी तरह हजरत अबू सैदरी रबील्ला रवायत से हदीस का हवाला भी इमाम अबू हनीफा उसके कजा के हुक्म के हवाले से देते हैं कि आप सल ने फरमाया कि जो वितर से सो जाए या भूल जाए यानी वितर पढ़े बगैर सो जाए या वितर पढ़ना भूल जाए तो आपने फरमाया कि उसको चाहिए कि उसको पढ़ ले तो इमाम अबू हनीफा यह कहते हैं कि किबू सद खुदरी की रवायत से चूंकि कजा का हुक्म मौजूद है हदीस में तो लिहाजा ये वाजिब है इसी तरह इमाम अबू हनीफा अबू दाऊद की एक हदीस को भी कोट करते नजर आते हैं और अबू दाऊत में हदीस के अल्फाज कुछ यूं हैं कि आपने फरमाया कि वितर हक है और जो से नहीं पड़ेगा वो हम में से नहीं है गोया इसको भी वजूब के लिए वाजिब होने के लिए जवाब बनाते हैं इमाम अबू हनीफा लेकिन ये याद का कि इमाम मालिक इस हदीस को जईफ करार देते हैं दाऊद की को इमाम मालिक सईफ करार देते लिहाजा उस हवाले से अबू हनीफा के पास दो अदीस अपनी के के मौजूद है और वो राय क्या है इमाम अबीफा वाजिब हैालिक और इमाम मेहमद बिद हम सबकी मुतफिक राय है कि वितर सुन्नत है वाजिब नहीं है अगला सवाल कि वितर की अदद और तादाद गिनती कितनी होनी चाहिए कितनी रकतें होनी चाहिए वितर के अंदर आराम पर इख्तलाफ है और इख्तलाफ फिर वैसा ही है जैसे उसके वजूब और सुनत के हवाले से है इमाम अबू हनीफा की राय बाकी तीनों आयमा से यहाँ मुख्तलिफ है इमाम अबू हनीफा की राय यह है कि वितर की तीन रकतें हैं और उनकी राय यह है कि ना इसे ज्यादा किया जाएगा और ना इसे कम किया जाएगा रकतें तीन ही हैं हनफी राय के रकतें तीन हैं वितर की न इसे ज्यादा किया जाएगा न इसे कम किया जाएगा और इससे मिलती जुलती राय अक्सर सहाबा इकराम और ताबीन की भी मौजूद है लेकिन इसके बरखिलाफ फुकाय सबा सात बड़े बड़े फुकाहा फुकाय सबा इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम मेहमद इन सबकी राय यह है कि बुनियादी तौर पर वितर की एक रकत है ये बुनियादी तौर पर विकट की एक रकत है और वितर एक ही सही है पहले दो रकतें एक सलाम से पढ़ने के बाद एक रकत वितर पढ़ा जा सकता है फुका सबा इमाम मालिक इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद की राय में वितर एक रकत है एक रकत ही सही है पहले दो दो रकतें सलाम के साथ अलग सलाम के साथ पढ़ने के बाद एक रकत वितर को अदा किया जाएगा और यही सही तरीका है सही मुस्लिम की हदीस का हवाला दिया जाता है फकत एक रकत वितर पढ़ना सही है लेकिन इसे पहले दो रकतें पढ़कर उसको अलग सलाम से अदा किया जाता है मैं भी समझाती हूं आपको इसके बरखिलाफ जमहूर उलमा की राय में लचक है जमहूरबा की राय में यह है कि वितर की कोई खास तादाद नहीं है वितर तेरह किसी भी तादाद और किसी भी अदद में अदा किए जा सकते हैं पहले दो पहली रकतें दो दो करके एक सलाम के साथ और फिर आखिरी रकत वितर वाहिद करके गोया वितर की तादाद का यकीन कि ये खास तीन ही है ये बातिल है इसको फर्क फर्क गिनती और अदद में पढ़ा जा सकता है अब तीसरा सवाल ये कि वितर को पढ़ा कैसे जाएगा जब ये रकतों की तादाद बताई जा रही है तो अगर तीन ही पढ़ी जाए तो तीन कैसे पढ़ी जाए? इसमें भी आयमा के इख्तलाफ राय है इमाम अबू हनीफा की राय जो कहते हैं कि तीन ही रकतें हैं तीन से ज्यादा है ना तीन से कम है तो इमाम अबू हनीफा और वो कहते भी हैं कि ये वाजिब है अनफी राय ये वाजिब है तीन ही है ना तीन से ज्यादा है ना तीन से कम है तो इसकी अदायगी के लिए इमाम अबू हनीफा की राय क्या है इमाम अबू हनीफा की तीन वितर रकतों की अदायगी की राय यह है कि दूसरी रकत में इन तीनों रकतों को इकट्ठा पढ़ा जाएगा दूसरी रकत में अतहियात पढ़ा जाएगा तीसरी रकत में रकूस से पहले तकबीर के बाद दुआए कनूत पढ़ी जाएगी और तीसरी रकत में यानी तश्त के बाद सलाम फेरा जाएगा ये मामूल में वही तरीका है जो हमारे यहां है मैं फिर दोहरा रही हूं इमाम अबू हनीफा के नजदीक तीनों रकतें एक सलाम के साथ अदा की जाएंगी इमाम अब हनीफा का राय अगर मैं समप करूं तो क्या है एक सलाम के साथ दो अत्ताहियात के साथ अदा करना यह तीन वितरों की अदायगी का तरीका दो अत्ताहियात रकू से पहले तकबीर के बाद गनूत और एक सलाम ये है इमामबू हनीफा का तरीका बाकी आयमा का तरीका दो तरीके बाकी आयमा के राय में मौजूद है एक तरीका तो यह कि इनको दो सलामों के साथ तीन को अदा किया जाए मैं सिर्फ अभी सिर्फ तीन ही की बात कर रही हूं अगर तीन रकतों को अदा किया जाए तो बाकी आयमा का तरीका दो तरीके मौजूद हैं एक तो यह कि इनको दो सलामों के साथ अदा किया जाए और एक ये कि एक ही सलाम के साथ तीनों रकतों को अदा किया जाए दो सलाम के साथ अदा करने का तरीका क्या होगा कि पहले दो रकतें पढ़ी जाएंगी सलाम फेरा जाएगा और फिर वाहिद रकत फेर कर सलाम फेरा जाएगा गोया ये पहला तरीका तीन रपते अदा करने का क्या होगा दो अत्ताहियात और दो सलाम बात समझ में आए दो अत्ताहियात और दो सलाम इसी तरह बाकी तीनों आयमा इन तीन रकतों को पढ़ने का एक और तरीका भी बताते हैं और वो तरीका क्या है पहला तरीका तो दो अत्ताहियात और दो सलाम थे अब दूसरा तरीका एक अत्ताहियात और एक सलाम का है तीनों रकतें एक ही सलाम के साथ पढ़ी जाएंगी दो के बाद सलाम नहीं फेरा जाएगा तीनों रकते एक ही सलाम के साथ फेरी पढ़ी जाएंगी दूसरी रकत में अत्ताहियात नहीं पढ़ा जाएगा और तीसरी रकत में अत्ताहियात के बाद सलाम फेरा जाएगा गोया फिर ये दूसरा तरीका क्या है तीनों रकतें इकट्ठी एक, एक सलाम और एक अत्ताियात अब तीन तरीके देख लीजिए इमाम अबू हनीफा का तरीका दो अत्ताहियात और एक सलाम ठीक बाकी तीन आयमा के दो तरीके दो अत्ताहियात और दो सलाम या एक अत्ताहियात और एक सलाम तो लिहाजा इनके राय के मुताबिक अगर दफ़ा तो दफा पढ़ी है तो फिर सलाम भी तो दफा करने हैं और अगर सलाम एक किया है तो अतःयात एक पढ़नी यह बेसिकली बुनियादी तौर पर दूसरे आयमा का तरीका है असल में इन तमाम चीजों की मतहरक वो हदीस बनती है जो हाकिम और मोहम्मद बिन नजर हजरतबू हर रजी अल्लाह तन से रवायत करते हैं हजरतबू हर रजी अल्लाह तन की रवायत से हदीस है कि आप सलाम ने वितर की तीन रकतों को मगरिब की मगरिब की तीन रकतों से मुशाबे ना करो वितर की तीन रकतों को मगरिब की तीन रकतों से मुशाबे ना करो यानी जब वितर को तीन की शक्ल में अदा करोगे तो वो तीन रकतें तुम्हारी मगरिब की तीन फर्ज रकतों के साथ मुशाबेहत रखने वाली नहीं होनी चाहिए रात की नमाज इसको फर्क होना चाहिए अब ये फर्क को ये तो हदीस का हुक्म है और इसको करना है तो फिर इस हुक्म पर इमाम अबू हनीफा अपने तरीके से कैसे पूरे उतरते हैं इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि जब तीसरी रकत में तकबीर के बाद दुआए कनूत के लिए हाथ दुआए कनूत पढ़ी जाती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको मगरिब की रकतों से फर्क कर देती है और यहाँ तीसरी रकत में रकू के बाद हाथ उठाकर दुआ की जाती है और दुआए कनूत पढ़ी जाती है या कनूत नाजला पढ़ी जाती है तो ये दोनों तरीके रकू से पहले या रकू के बाद कनूत पढ़ना ये वितर की रकत को मगरिब की तीन रकतों से खुद बखुद मुमताज और अलग कर देता है और उनकी नजर में और कोई फर्क करने की जरूरत है ही नहीं लेकिन बाकी तीनों आयमा इक्राम की राय यह है कि यह फर्क का तरीका जो इमाम अबू हनीफा कहते हैं यह फर्क का तरीका काफी नहीं है क्यों क्योंकि आप वसल्लम ने मगरिब फजर और बस असर की नमाज में भी कनूत अदा की आगे जाके हदीस हाँ में नजर आएगा आपने फजर की नमाज में रखू के बाद हाथ उठा के दुआ की आपने मगरब की नमाज में कनूत नाजला पढ़ी आपने बस असर की नमाज पे दुश्मनों के लिए दुआ करने के लिए कनूत की तो ये तो फर्क नहीं करेगा कोई और अमल जरूरी है वितर की तीन रकतों को मगरब की तीन रकतों से फर्क करने के लिए और ये फर्क वो तीनों आय फिर कैसे करते हैं वो दो तरीके जो मैंने आपको ऊपर बताए या ये कि पहली दो रकतों को अलग एक सलाम से और फिर आखिरी रकत को एक सलाम से यानी एक सलाम के इजाफे के साथ एक सलाम के इजाफे के साथ वो अपनी रकत को अलग कर लेते हैं और या अत्तहियात की कमी के साथ वो अपनी तीन रकतों को मगरिब की तीन रकतों से कम फर्क कर लेते हैं दो तरीके तीन आयमा कराम ने किए या तो सलाम का इजाफा या अत्तहियात की कमी सलाम का इजाफा मैं फिर दोहरा रही हूं कैसे होगा कि इन तीन को दो और एक में स्प्लिट करके दो सलामों के साथ अदा किया जाएगा और यहां अगर एक ही सलाम के साथ अदा करना है मकरब की तरह तो फिर फर्क करने के लिए क्या होगा दूसरी रकत में अतहियात अदा नहीं की जाएगी तो लिहाजा ये आई माई कराम की राय इसकी अदायगी के हवाले से मौजूद है अगर मैं इसकी अदायगी के तरीके को समाप्त कर लूं, तो वो सत्य नजर रखने वाले फिर ये समझ सकते हैं कि वितर की तादाद मुतन नहीं है किसी भी अदद किसी भी तादाद में अदा किए जा सकते हैं सलाम की गिनती मुतन नहीं है सलाम एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी जायज है ही हीत एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी जायज़ है मौजूद है सारे तरीके अख्तियार किए जा सकते हदीस नंबर 539, ये बुनियादी सी बात देखने के बाद अब हम हदीस पढ़ते जाएंगे तो हमें इसके सारे मुख्तफ अवकात और इसकी कसर और कजा के हवाले से अहकाम पता चलते जाएंगे हदीस नंबर फाइव थर्टी नाइन हजरत इबर रजील् से रवायत है कि एक शख्स ने रसुल्ला वसलम से नमाज़ शब यानी रात की नमाज के बारे में दरिया किया तो आपने फरमाया कि रात की नमाज दो दो रकतें हैं यानी जो तहजद की नमाज तुम अदा करोगे जैसे आप सल्हम अगर आठ रकतें अदा करते थे तो उसको इकट्ठा चार चार करके नहीं अदा किया जाएगा उसको दो दो रकतें करके अदा किया जाएगा और अगर तुम में से किसी को सुबह होने का अंदेशा हो तो वो एक रकत और पढ़ ले और उस नमाज को वित्र बना दे तो गोया एक बात तो ये पता चल रही है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी तहजद की नमाज अदा करते थे तो तहजद की रकतों को वितर की तादाद में अदा करते थे यानी ताक दो दो की तादाद में अदा करते थे और हर दो के बाद सलाम पेरते थे इन शिताब तहज जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा वजाहत से हमें मामला पता चलेगा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि दो रकतों के बाद सलाम फेरने के बाद सारी की सारी रकतों को ताक करने के लिए क्या करो एक वितर अजा अदा कर दो तो गोया वितर की अदायगी के लिए अफजल और मसनून तरीका फिर यही है कि पहले दो रकतों को सलाम और फिर उसके बाद एक रकत अदा किया जाए इसे यह भी पता चल रहा है कि वितर का वक्त क्या है अगला सवाल यह कि वत, वितर के लिए वक्त क्या है किस वक्त से किस वक्त तक वितर अदा किया जा सकता है वितर इशा की नमाज की अदायगी के बाद किसी वक्त रात के किसी हिस्से में रात के किसी जुज में इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सात तक यानी फजर की नमाज तक वितर की नमाज की अदायगी का वक्त है इसमें से किसी वक्त भी ये नमाज अदा की जा सकती है अबू दाऊद और नसाई में हजरत इब्ने उमर रसी अल्लाह अन की रवायत से हदीस है कि जब फजर की नमाज हो जाए तो रात की नमाज और वितर का वक्त गया यानी जब फजर की नमाज हो गई है तो इशा की नमाज और वितर का वक्त गया खत्म हो गया हजरत अब सईद से हदीस है कि जिसने फजर पाया उस वक्त वितर दरुस्त नहीं यानी जिसको फजर के वक्त में जाग आई है उस वक्त वितर दुरुस्त नहीं है इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद के नजदीक वितर का अव्वल वक्त इशा से लेकर और आखिर वक्त सुबह सात एक तक है वितर का अव्वल वक्त इशा के बाद और वितर का आखिर वक्त सुबह के यानी फजर की नमाज तक है ये पूरे का पूरा टाइम पीरियड है जिसमें वितर अदा हो सकता है और रात के किसी जोस और किसी हिस्से में वितर अदा हो सकता है लेकिन वितर को ताखिर से अदा करना यानी फजर से पहले अदा करना अफजल है वितर की कजा के बारे में राय क्या है अक्सर नुमा की राय तो यही है कि वितर की कजा नहीं है मोहम्मद बिन नजर के हवाले से हमें मिलता है कि किसी हदीस ने यह नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर की कजा की हो और ना ही किसी हदीस में इसका हुक्म मौजूद है किसी हदीस में आपकी सुन्नत का या किसी हदीस में आपकी ताक़ीद या हुक्म इसकी कजा का मौजूद नहीं है इमाम अबू हनीफा की राय अलबत् इसकी कजा की अदायगी के लिए मौजूद है क्योंकि इमाम अबू हनीफा राय के कायल हैं कि बितर वाजिब है और जब यह वाजिब है तो वाजिब की कजा लाजिम होगी लेकिन जो कि बाकी आयमा के नजदीक वितर वाजिब नहीं है सुन्नत है तो उनके नजदीक फिर इसकी कजा वाजिब नहीं है <coughs> और इमाम अबू हनीफा के नजदीक अगर कोई शख्स चूंकि उनके नजदीक वितर वाजिब है और उसकी क़ा भी वाजिब है तो माम अबूफा की राय है कि अगर कोई शख्स कुछ याद आता है या उसको जाग आ जाती है और फजर का वक्त हो चुका है तो फिर वितर को कैसे अदा किया जाएगा अगर फजर का खुद ही अव्वल सा वक्त है और अभी फजर की नमाज का वक्त बहुत बड़ा है तो नमाज की तरतीब को मलहूस रखा जाएगा पहले वितर अदा करके फिर फजर की नमाज अदा की जाएगी लेकिन अगर फजर की नमाज का वक्त और अव्वल वक्त ताखीर से उसका पता चला है तो फिर पहले नमाज फजर और उसके बाद वितर अदा किया जाएगा क्या फितर के बाद कोई और नमाज है क्या वितर की अदायगी के बाद कोई और नमाज अदा की जा सकती है यह अगला सवाल अक्सर उलमा की राय यह है कि वितर के बाद कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी वो जो ईशा की नमाज में रूटीन में हमें वितर के बाद दो नफल बताए जाते हैं इसका तस्वर उलमा के नजदीक मौजूद नहीं है लेकिन कुछ की राय इसके बरखिलाफ है और इस राय की वजह और जवाब हजरत आयशा रजी अल्लाह के कौल को बनाया जाता हैदीस आती है कि आपर के बाद दो रकतें अदा की हजरत फरमाती हैं किल्ला के रसूल ने वितर के बाद दो रकतें अदा की अब हजरत रजी अल्लाह तहा का ये कोट करना कुछ लोगों के नज़दीक और कुछ उलमा के नज़दीक ये जवाब बन जाता है कि बितर के बाद आपने नवाफिल अदा किए हालांकि इसकी नफी करने वाले क्या बताते हैं कि यह दो रकतें जो आपने बितर की नमाज के बाद अदा की थी ये नफर नहीं थे ये क्या था ये फजर की दो सुन्नतें थी ये फजर की दो सुन्नतें थी जो आप फजर की अज़ान के बाद अपनी वितर की अदायगी के बाद अदा करते थे और हम किताब सलाद में पीछे बहुत ज्यादा दफ़ा ये हदीस पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहजुद पढ़ते थे अपने वितर की नमाज अदा करते थे और फिर आप अपनी फजर की दो सुन्नतें अदा करने के बाद अपने पहलू के बल लेट कर आप कुछ देर इस्तराहत और आराम फरमाते थे तो गोया इसी हदीस को पकड़कर कुछ लोग ये कहते हैं कि नफल पढ़े जा सकते हैं और पढ़े जाएंगे और कुछ लोग इसकी नफी यूं करते हैं क्योंकि तथबीक तो होनी जरूरी है कुछ लोग इसकी नफी इस हवाले से करते हैं कि वो कहते हैं कि ये नफल नहीं थे ये फजर की दो सुन्नतें थी जो आपने वितरों के बाद अदा की आयमा की राय इस हवाले से है इमाम नबी और इमाम औजाई इमाम अहमद इमाम मालिक इमाम शाफी की राय भी यह है कि अगर कोई शख्स वितर के बाद कोई नफल पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है यानी मना नहीं है ना मकरू है ना मना है पढ़ने जायज है मसल आप देखेंगे बसों का तहजु से इंसान फारिग हो जाता है और अभी वक्त है कोई हाजत के नफल पढ़ना चाहता है कोई किसी और गरज से पढ़ना चाहता है और उसके पास टाइम है तो पढ़ने मना नहीं है जायज़ है वह पढ़ सकता है राय किसकी इमाम और जी इमाम नवी इमाम अहमद इमाम मालिक और इमाम शाफई की राय है कि अगर वितर के बाद कोई नफल पढ़ना चाहता है तो वह जायज है, है इमाम अहमद का कॉल है कि वितरों के बाद मैं नफल खुद पढ़ता नहीं लेकिन किसी दूसरे को मना करता भी नहीं अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ता क्योंकि हदीस में इसका तरीका मौजूद नहीं है तो लिहाजा ये वितर के हवाले से अब कुछ अगले सवालों के जवाब किसका वक्त क्या है इसकी कज़ा क्या है और इसके बाद नमाज कोई और पढ़ी जा सकती है नबाफिल अदा किए जा सकते हैं कि नहीं हदीसाइन से रवायत नमाज तहजद ग्यारह रक़त पढ़ते थे आपको पता है कि ग्यारह रकते जो आप अदा करते थे इसमें आठ रकतें नफल थी जो आप दो दो करके अदा करते थे और अक्सर मौकों पर आपका यही सुन से साबित है और फिर तीन वितर यानी आठ जमा तीन ग्यारह की गिनती बनती है लेकिन इसके अलावा नौ की गिनती यानी छः जमा तीन भी मौजूद है और सात यानी चार जमा तीन की गिनती भी सुनने से साबित है लेकिन अक्सर औकात पर सबसे ज़्यादा ग्यारह ही की गिनती का तस्करा हदीस में मिलता है जिनमें आठ नवाफिल दो दो करके चार सलाम के साथ और फिर उसके बाद तीन वितर ने उनको ग्यारह की अदद बना दिया तो गो यार रात के वक्त आप यही नमाज आपकी यही नमाज यानी यार रखते रात के वक्त आपकी यही नमाज थी इस नमाज में सजदा इस कदर तवील करते थे कि आपके सर उठाने से पहले तुम किस तुम में से कोई पचास आयात तलावत कर लेता वो सजदा जो कुर्बे लाही का जरिया है वो सजदा जो क्यामत के दिन गवाही देंगे जिसके अज़ा और जमीन जिसकी गवाही देगी रसूल तवील सजदा तहजद के वक्त करते नजर आते हैं कि तुम में से कोई पचास आयात तलावत कर लेता और नमाज फजर से पहले दो रकात सुनते भी पढ़ा करते थे फिर अपने दाएं करबट पर लेट जाते थे यहाँ तक मौजन के मौजिन आपके पास नमाज की इतला के लिए आता तो उठ जाते बात समझ में आ गई है गोया आठ रकतें पूरी की जाती थी उसके बाद तीन रकत वितर अदा किए जाते थे और वितर के बाद कोई नफल नहीं दो सुन्नत रकते फजर की अदा करने के बाद आप करवट के पहलू के बल तश्फ फरमा होते थे तो लिहाजा ग्यारह रकते तहजद की जिसमें से तीन वितर हैं और उसके बाद नफल नमाज नहीं है इससे तहजद के औक़ात भी पता चल रहे हैं और विकतर की आखिरी हद भी पता चल रही है बाब नंबर दो नमाज वितर के औकात वही वो चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं ताला ही से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसोल ने रात के हर हिस्से में नमाज फा की मगर आखिर में आपकी नमाज वितर आखिरी शब्द में होती थी अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि नमाज फितर का वक्त क्या है अव्वल वक्त इशा के बाद और आखिर वक्त सुबह सादे के नी की अजान तक है इसमें से किसी रात के जुज् और हिस्से में नमाज अदा की जा सकती है क्योंकि रसुल्ह ने भी हर हिस्से हर जुज में वितर की नमाज अदा की लेकिन आपदगी में सिर्फ आखिरी हिस्से में अदा करते थे यानी सुबह सदिक से पहले अदा करते थे गोया अफजल क्या है वितर को बिल्कुल फजर की नमाज से पहले तहजद के बाद तहजद की नफल की अदायगी के बाद सुबह से पजर से पहले अदा करना ये अफजल है और ये सुन्नत का नमूना है लेकिन यह याद रखिएगा कि यह सुन्नत का नमूना और इसकी इतबा उस शख्स को करनी है जो इशा के बाद सुबह उठने की इस्त और ताकत और यकीन रखता है जिसको इस चीज पर कुदरत भी नहीं है जिसको यकीन नहीं है कि इम्कान है कि वो शायद ना उठ पाए उसके लिए बेहतर क्या है कि इसको छोड़ देना इसको भूल देना या इसको कजा कर देना उससे बेहतर है कि इसको इशा के बाद अदा कर लिया जाए लेकिन जो शख्स पाबंदी से तहजद पे उठने का आदि है उसके पास कुदरत और ताकत है और उसको यकीन है कि वो इनशाला जरूर उठ जाएगा उसको इससे फायदा उठाने के लिए अफजल वक्त के लिए अपने वितर को तहजद के बाद मौखर करने का तरीका इख्तियार करना चाहिए बाम नंबर तीन चाहिए कि अपनी आखिरी नमाज वितर को बनाएं। ये वही मसले हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए कि वितर के बाद नफल का अता करना ये सुन्नत का तरीका भी नहीं है और यहाँ पे हदीस भी ममानियत करती नजर आ रही है हदीस नंबर फोर फाइव फोर्टी टू हाजस अपनी उमर रसी अल्ला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो तुम रात की आखिरी नमाज वितर को बनाओ वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई कि अक्सरियत की राय इमाम अहमद इमाम हम्बल इमाम शाफ़ई की राय ये कि इसके बाद नफल अदा नहीं किए जाएंगे लेकिन आरासात यह भी है कि नफल अदा करने अलबत् जायज है कोई अदा करना चाहता है तो अदा कर सकता है इमाम अहमद ने क्या कहा था इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं खुद तो नहीं पढ़ता लेकिन पढ़ने वालों को मैं मना भी नहीं करता तो लिहाजा पढ़े जा सकते हैं लेकिन बेहतरीन तरीका सुनत का तरीका और अफसल तरीका यही होगा कि वितर को अखीर से पढ़ा जाए सुबह सादिक से पहले पढ़ा जाए और इसके बाद नवाफिल का इत्माम ना किया जाए बाब नंबर चार सवारी पर वितर पढ़ना सवारी कौन सी हालत है सफर की हालत अब अगला सवाल हमने कजा का सवाल भी कर लिया अब अगला सवाल कसर क्या वितर को सफर में यानी कसर नमाज में अदा किया जाएगा और अगर अदा किया जाएगा तो कैसे कब कहाँ अदा किया जाएगा तो सवारी पर वितर पढ़ना हदीस नंबर फाइव फोर्टी थ्री हजरत अब्दुल्ला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने वसल्लम फरमाया कि वसल्लम ऊंट पर सवार होकर वितर पढ़ लिया करते थे गोया यहाँ क्या पता चल रहा है कि वसल्लम सफर में हैं और सफर में किस पर हैं अपनी ऊंटनी पर सवार हैं और उस पर वितर अदा कर रहे हैं गोया वितर सफर में अदा करना सुन्नत से साबित है सफर के दौरान सवारी पर साबित सफर अदा करना सुन्नत से साबित है तो क्या वितर को कसर नमाज में अदा करना जरूरी है वाजिब है फिर राय में फर्क इमाम अबू हनीफा जो ये कहते हैं कि वितर वाजिब है उनके नजदीक वितर की कसर नमाज में अदागी भी वाजिब है जैसे फर्ज रकतों की कसर नमाज की अदायगी है वैसे ही इमाम अबू हनीफा की राय में वितर की अदायगी कसर में वाजिब है और वितर नमाज को इशा के बाद सफ़र की हालत में भी अदा किया जाएगा और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक राय यह है कि चूंकि ये वाजिब है और इसको कसर में अदा करना है तो इसको सवारी पर नहीं इसको उतर कर फ़राइज की तरह अदा किया जाएगा और वो हवाला भी देते हैं रसोल्ला व्लम के इब्तदाई ज़िंदगी का कि आपली वम को सहाबी ने देखा कि आप वितर नमाज के लिए अपनी सवारी से उतरे और आप सल्हली ने अप अपना वितर की रकतों को अदा करने के लिए सवारी को रोकर जमीन पर वितर अदा किए लेकिन बाकी तीनों आयमा की ये चूंकि यह ये है कि वितर सुन्नत है तो लिहाजा इन तीनों की राय इसके खिलाफ है कि इस वितर रकतों की कजा वाजिब नहीं है कजा वाजिब नहीं है और यह ऑप्शन और लचक जैसे सुन्नतों और नवाफिल के लिए सफर में लचक है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो कसर इंशाल्लाह हम नमाज कसर नमाज के अहकाम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा वाजी हो जाएगा तो जैसे सुनो और तो नवाफिल के लिए लचक मौजूद है कि कोई इनको अदा करना चाहता है सफ़र में तो वो अदा कर ले और अगर कोई नहीं अदा करना चाहता तो उससे मुआवजा सवाल नहीं है और उससे गुनाह नहीं है जब लचक वाले और सन्नतें अदा की जाती है तो मैं पता है कि ये सवारी पर अदा की जा सकती है तो तीन आयमा की राय ये कि अगर कोई कसर नमाज में वितर अदा नहीं करेगा तो इसमें गुनाह नहीं है इनको तरकिया जा सकता है बल्कि इसकी कसर नहीं है और अगर पढ़ना है तो इनको सवारी पर अदा किया जा सकता है दोनों आयमा की राय के दरम्यान मुताबिकत और ततबीक कि एक ने कहा कि सवारी पर अदा नहीं हो सकता और एक ने कहा कि सवारी पर अदा हो सकता है इसकी ततबीक कुछ हदीस की शरा बयान करने वाले कैसे करते हैं वो ये कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई जिंदगी में सवारी पर पढ़ने से मना भी किया और इब्तदाई जिंदगी में आपने सवारी से उतर कर अदा भी किए लेकिन आप अपनी बाकी जिंदगी में आपने सवारी पर पढ़ने की इजाजत भी दी और सवारी पर पढ़ने की सुन्नत का नमूना भी कायम किया अच्छा जी अब आपकी आखिरी का मसला इसके हवाले से बाब नंबर पांच रकूत से पहले और रकू के बाद कनूत का बयान तो गोया आप कनूत का पढ़ना भेतन में ये वो चीज है जो हम दुआई कनूत का पढ़ना तो उसका पढ़ना ये कि उसको कब पढ़ा जाएगा उसको कैसे पढ़ा जाएगा उसके साथ दुआओं को कैसे शामिल किया जाएगा और कौन से कनूत पढ़े जाएंगे और फिर ये कि उनको किस अंदाज में ऊंचा पढ़ा जाएगा या आस्ता पढ़ा जाएगा हदीस नंबर फाइव फोर्टी फोर हजरतनस रज़ी अल्लाह तन से रवायत है कि उनसे दरियाफ्त किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर में कनूत पढ़ी है तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ फिर पूछा गया क्या रकू से पहले आपने कनूत पढ़ी थी उन्होंने कहा कि रकू के बाद थोड़े दिनों के लिए तो गए यहां पे पता चल रहा है कि वही बात जो मैंने आपको बताया ना कि तीन आय इकराम भी कहते हैं कि सिर्फ कनूत का पढ़ना वितर की तीन रकतों को मगरिब की तीन रकतों से अलग और मुमताज़ नहीं करता क्योंकि आपने इसके अलावा भी बहुत सी नमाजों के अंदर यानी मगरिब और फजर की नमाजों के अंदर आपने कनूत पढ़ा तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा उन रकतों को तो यहाँ पर हजरत हजरतनी से जब सवाल किया गया कि क्या उन्होंने और नमाजें पढ़ी तो इस हदीस में पता चला है कि आपने फजर की नमाज में दुआ कनूत पढ़ी और यहाँ पूछा गया कि क्या पहले पढ़ी या बाद में पढ़ी तो आपने कहा कि हाँ आप अक्सर तो रकू से पहले ही पढ़ते थे लेकिन कुछ दिनों में आप रकू से बाद पढ़ते थे ये पहले और बाद के पढ़ने का हवाला हमें हदीस और वाक्यात और हदीस की शरह बयान करने वाले बताते हैं कि मामूल में आप सल्लाम ने रकू से पहले तकबीर के बाद रकू से पहले ही कनूत पड़ी और वहां पर सिर्फ दुआएं कनूत पड़ी गई और दीगर अदिया और दुआएं शामिल नहीं की गई जिंदगी के अक्सर मौकों में अक्सर मौकों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर रकू कयाम में तकबीर पुकारने के बाद रकू से पहले ही कनूत पड़ी इसके लिए हाथ नहीं उठाए गए और सिर्फ कनूत ही पड़ी कनूत नाज़ला और दीगर अदिया को शामिल नहीं किया गया और ये आपका ज्यादा कॉमन रूटीन था हाँ जब कोई परेशानी की हालत थी जब कोई कहत था जब कोई दुश्मनों के हमले का इम्कान था या कोई मुश्किल हालात थे तो उस वक़्त कनूत नाजिला और दीगर अदिया को शामिल करने की गरज से आपने रकू के बाद हाथ उठाकर कनूत भी पढ़ी और आपने कनूत नाजला भी पढ़ी और दूसरी अदिया को भी शामिल किया और फिर ये कनूत का पढ़ना सिर्फ और सिर्फ इशा के बाद वितर की रकतों में नहीं फिर मगरब फजर और इशा में भी ये तरीका जो है वो सुन्नत में रज किया गया लेकिन ये दूसरा तरीका कनूत पढ़ने का खास हालतों में है जब कोई मुश्किल का वक्त कोई कहत साली कोई दुश्मन का हमला या कोई मुश्किलात की हालत थी सिर्फ उसमें इस तरह पढ़ा जाता था और वो फिर कनूत रक वितर के अलावा दूसरी रकतों में भी दूसरी नमाजों में भी पढ़ी जाती थी अगर आप पढ़ें तो अगले वाक्य में भी यही आता है हदीस नंबर फाइव फोर्टी फाइव हजरत तन से रवायत है कि उनसे कनूत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि शुबा कनूत पढ़ी जाती थी गोया दुआ कनूत के पढ़ने में सब आयमा की राय में इजमा मौजूद यानी दुआ कनूत सब आयमा कहते हैं पढ़ी जाएगी फिर दरियाफ्त किया गया कि रकू से पहले पढ़ी या रकू के बाद तो रकू से पहले फिर जब उनसे कहा गया फ़ल तो करता है कि आप के फरमाया था। तो हजरत अनस बोले वो गलत कहता है रसुल्ला स्था वारी ने सिर्फ एक महीना रकू के बाद कनूत पढ़ी और मेरा ख्याल है कि आपने मुश्किन की तरफ तकरीबन सत्तर आदमी भेजे जिन्हें कारी कहा जाता था ये मुश्किल उन मुशीन के अलावा थे जिनके और सल्लल्लाहु अलैहि वसलम के दरमान सुना था यानी और मुश्किल की तरफ भेजा गया और इनमें से बहुत को शहीद कर दिया गया तो नाजुक सा मरला था मुसलमानों के लिए तो रसुल्ला दुआ कनूत पढ़ी और एक माह तक उनके लिए बद करते रहे उन्ही से एक रवायत है कि रसुल्लाम ने एक माह तक दुआ कनूत पढ़ी और कबीला राल और जकवान के लिए बद करते रहे गोया आपका मामूल कनूत का क्या था कि आप रकूस से पहले पढ़ते थे उसमें सिर्फ कनूत पढ़ी जाती थी और दीगर दिया नहीं पढ़ी जाती थी लेकिन जब कोई मुश्किल हालात और जंगों वगैरह की कैफियत है तो उसमें सोना से साबित है कि आप वितर में भी और दीगर नमाजों में भी हाथ उठाकर कनूत कनूत नाजला और दीगर दिया और यहाँ पे यह भी पता चलता है कि फिर उस कैफियत में जो मुश हैं या जो दुश्मन हैं उनके मर्दों का नाम लेकर और बद के कलम भी उनके लिए किए जा सकते हैं हजरतनस रज्लाई फोर्टी सिक्स उनसे ये रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि कनूत मगरिब और फजर की नमाज में भी पढ़ी जाती थी गोया क्लियरली जो बात वाजे होती चली जा रही है अगर हम कनूत के बारे में पढ़ें तो दुआ कनूत का पढ़ना वितर में मगरिब में फजर में और यहाँ पे नहीं लेकिन कुछ और मामला में असर की नमाज में साबित है दुआ कनूत जब वितर की रकत में पड़ी जाती है तो ज्यादा मामूल आपका रकू से पहले बगैर हाथ उठाए पढ़ना बगैर दुआओं के शामिल करके पढ़ना सुनत से साबित है गैर मामूली हालात और मुश्किल की हालात में रकू के बाद हाथ उठाकर कनूत नाजला और दीगर दुआओं के साथ पढ़ना भी सुनत से साबित है हमें इसी तरह पता चलता है कि सुबह की नमाज में जब उम्मत के लिए कोई मुश्किल का वक्त हो तो सुबह की नमाज में कनूत का पढ़ना मुस्तहब है इसी तरह हजरत बराबिन आजिब अबू दाऊद और में पता चलता है कि सुबह और मगरिब की नमाज और हज़रत अबू हुरैरा की रवायत से पता चलता है कि मगरिब की नमाज में जब मुसलमानों के लिए और उम्मत के लिए मुश्किलात हो तो उस वक्त इन नमाज़ों में भी कनूत पढ़ना मुस्तहब है अब रकू से पहले या बाद में आयमा का इमाम शाफयी कहते हैं कि रकू के बाद पढ़ी जाएगी इमाम अबू हनीफा की राय है कि रकू से पहले अदा होगा इमाम हो। मालिक और इमाम अहमद कहते हैं कि दोनों तो तरीके से अदा हो सकती है और इमाम मालिक और इमाम अहमद की राय है कि अगर मुसीबत और हादसे की हालत में पढ़ना है तो बाद में वना आम हालत में रकू से पहले पढ़ी जाएगी कनूत के बारे में ये कि इसको ऊंची आवाज़ से पुकारा जाए ऊंची आवाज़ से पढ़ा जाए या हल्की आवाज़ में पढ़ा जाए तो इमाम शाफय के नज़दीक यह है कि मुस्तहब यह है कि इसको पुकार के पढ़ा जाए लेकिन इमाम अबू हनीफा की राय यह है कि इसको आहिस्ता पढ़ा जाए इमाम भी आहिस्ता पढ़ेंगे और मुक्तदी भी आहिस्ता पढ़ेंगे हनफी राय है कनूत कौन सा पढ़ना मुस्तहब है और कौन सा सुनत से साबित है इमाम शाफय की राय में वो कनूत दुआ कनूत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई जरा मुख्तसर है अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदयत व आफिनी फी मन व फी मन तवल ये ज़रा मुख्तसर भी है और वैसे लोगों को जरा आसानी से याद भी होती है लेकिन इसका तर्जा भी बहुत खूबसूरत है इमाम शाफई की रिवायत से ये है कि वो इस कनूत के पढ़ने को पसंद फरमाते हैं लेकिन इमाम अबू हनीफा व नस्तगफिरुका व का बिका ये कनूत पढ़ना इमाम अबू हनीफा की राय में मौजूद है तो so, वितर में कनूत पढ़ना है पेरसबाइम का इतफाक है इमाम अबू हनीफा यह कहते हैं कि वितर में कनूत हमेशा पढ़ा जाएगा इमाम अबू हनीफा की राय है कि वितर में कनूत हमेशा पढ़ा जाएगा इमाम शाफई की राय यह है कि यह फकत रमजान के आखिरी निस में पढ़ा जाएगा और इमाम मालिक और इमाम अहमद की राय है कि वितर और सुबह की नमाज में हमेशा पढ़ना मुस्तहब है और अगर कोई मुसीबत या कहत वगैरह आ जाए तो भी पढ़नी मुस्तहब है यानी इमाम मालिक और इमाम अहमद ने तो इसको मुस्तहब कह दिया इमाम हनफी ने इमाम अबू हनीफा ने इसकी ताक़ीद और इसकी हमेश की का तस्क्रा और इमाम शाफई कहते हैं कि सिर्फ निसफ रमजान में पढ़ी जाएगी तो लिहाजा राय सबकी यह है कि ये वितर में पढ़ने पर इसमें जरूर है लेकिन इसकी ताक़द के बारे में कुछ थोड़े से राय मौजूद हैं अल्लाह सबल हमें हदीस और सुन्नत की इन तलीम से जुड़ने इनको शौक और शगफ़ से सीखने समझने पढ़ने पढ़ाने की तोफ़ी का ताब फरमाए और अल्लाह जो पढ़ते हैं इसका अता फरमाएं इसका फहम अता फरमाए और अल्लाह ऐसा और ऐसा अता फरए कि इसको अपनी जिंदगी में सही तरीके से राइज करना अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे और अल्लाह सुबहाना ताली इन सारी अदीस और सुन्नत के नमूनों को जो हम मिल बैठ के पढ़ रहे हैं अल्लाह इसको हमारे नमाज़ में हुसन के इजाफे का ज़रिया बना दे अल्लाह अल्लाह हम अपनी नमाजों को सुन्नत के हसन के रंग और सुन्नत के खदोखाल में रंगने में कामयाब हो जाएं और अल्लाह सुबहाना ताली हम लोगों तक सुन्नत की नमाज के तरीके पहुँचा कर उन नमाजियों को अपने लिए सद जारिया बनाने में भी कामयाब हो जाए अबाना तकबल में ना अनना कान्त समयलीम At tumalain na ina ka rahim. Amin. Sumamin.